राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे ऑन यम 15 एंड 1 आवर टाइम फ्रेम, एंड देखेंगे कुछ बेस्ट पॉसिबल सेटअप्स फॉर इंट्राडे फॉर 15th जनवरी। तो यम 15th पे करेंटली एक इंट्राडे के लिए स्कैल्पिंग सेटअप बन सकता है, 20-30-50 पिप्स तक प्रॉफिट बना सकते हो। तो ओवरऑल टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था कि ये करेंटली एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट पे आप ट्राई कर सकते हो या फिर ब्रेकआउट पे स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो। तो ब्रेकआउट स्ट्रांग मिल चुका है एंड अराउंड इस जोन से रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है, तो आप ट्राई करो कि प्राइस जो है इस जोन पे अगर आता है फिर से 2048-49 तक प्राइस अगर मिलता है तो आप एक बाई के लिए ट्राई कर सकते हो। M5 पे जाना, एक बुलिश कंफर्मेशन अगर मिलता है 2048-49 पे तो बाई कर लेना ट्रेड। जो SL आपका होगा 2046 या फिर 45, आप इसकी बिलो SL रखो। एंड जो टारगेट करोगे आप मिनिमम 2053 एंड उसके बाद 2056 तक आप टारगेट कर सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फर्दर जा सकता है, बट रेजिस्टेंस जो है आप 1:2-1:3 तक मैक्स टारगेट कर सकते हो बाय स्कैल्पिंग के लिए या फिर इंट्राडे के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप देखते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया था इन डिटेल कि इस जोन पे 2040 से लेकर 2036 तक बाय जो है एक्टिव है। आप इन डिटेल वॉच कर सकते हो, वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बेस्ट सेटअप से बताया इस वीक के लिए। फिर से आ जाते हैं यम 15 पे। तो जो नेक्स्ट ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट जोन बनता है, मेजर जोन, ये वाला 2065 से 62 तक, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अराउंड लास्ट 2 से 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है, तो अब फर्दर प्राइस अगर इस जोन पे आता है दो चांसेस हो सकते हैं, या तो ब्रेकआउट करके स्ट्रेट फॉरवर्ड 2072 तक जाएगा या तो एक ट्रैप बनाकर बायर्स के लिए फॉल करेगा। तो अगर आप एंट्री किस तरह से आप कैप्चर कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो कि प्राइस जो है अराउंड इस जोन में आए 2060। अगर ये ब्रेकआउट करते हुए नेक्स्ट 2064-66 तक जाता है एंड एक बायर्स के लिए एक ट्रैप बनाकर फिर से इसी रेंज में कंटिन्यू करता है तो आप यहाँ पे सेल के लिए ट्राई कर सकते हो एंड टारगेट करो मिनिमम 2052 एंड अप टू 44 तक यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। दिस इज़ द सेकेंड एंट्री। एंड थर्ड जो एंट्री मैं यहाँ पे बताऊँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था प्राइस जो है अराउंड, अगर मैं आपको फिर वो प्लॉट करके दिखाऊँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लो एंड हाई को कंसिडर करते हुए, तो करेंटली प्राइस ये जो 38 का लेवल है इस जोन से सपोर्ट लेकर जा रहा है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ से ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बना लिया है इसने, अगर इसके रीटेस्ट वाले जोन से यम 15 पे अगर यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलता है तो हो सकता है कि प्राइस जो है 0.5 तक यहाँ पे आकर एक प्रॉपर रीटेस्ट करके कंटिन्यू करें। आप इस जोन पे भी एक स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे के लिए एक बेस्ट पोजिशन मिल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस जोन में आपको एक सेल की पोजिशन बन सकती है अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। बट जो भी ट्रेड सेटअप्स बता रहा हूँ M5 पे M15 पे, जब तक बुलिश या फिर बेरिश कंफर्मेशन मिल नहीं जाती है आप ट्रेड मत लेना। जब कंफर्मेशन मिल जाएगा एक प्रॉपर सेटअप 20-25 पिप्स का SL एंड टारगेट मिनिमम 1:2 का या फिर 10-15 पिप्स SL टारगेट 30-50 पिप्स का, तो आप एंट्री ले सकते। तो कुछ सेटअप्स मैंने आपको M15 एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता दिया आज के लिए, आप इसके अकॉर्डिंगली एंट्री ले सकते हो। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।